फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी सीरीज़ को जो चल रही थी उसका ये लास्ट पेपर है। प्रीवियस पेपर यूपी टेट 2011 हम लोगों ने 2019 से स्टार्ट किए थे, तो आज हम 2011 पे आ गए। साइंस का ये लास्ट पेपर है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन 1, द ब्राइट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो पहले देख लेते हैं कि फ्लावर एक्चुअल में होता कैसे। तो देखिए, ये बन रहा है इसका फीमेल पार्ट, ठीक है, और यहाँ से इसका ये होता है मेल पार्ट, और फिर ये होते हैं कोरोला, ये होते हैं कैलेक्स, ठीक है। कुछ इस तरह हमारा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का। ये एक्चुअल में चाइना रोज का है एग्जांपल, हिबिस्कस रोजासिनेंसिस, ठीक है। तो ये जो कैलेक्स होते हैं, इनकी अपनी यूनिट्स देख लेते हैं। ये इनकी कैलेक्स की यूनिट होती है सेपल्स, ठीक है। जो कोरोला होते हैं ये अट्रैक्टिव, ये दोनों अट्रैक्टिव पोर्शन होते हैं हमारे पार्ट की, और इसकी यूनिट होती है पेटल्स, और ये हमारे हैं एंडोशियम, इनकी यूनिट होती है स्टेमेन, और ये हमारे हैं गाइनोशियम, और इनकी यूनिट होती है पिस्टिल, ठीक है। तो इसमें पूछा है ब्राइट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो सिर्फ दो ही, ये तो इनर पार्ट्स होते हैं या आउटर पार्ट्स होते हैं, तो ये दोनों अट्रैक्टिव पार्ट में आते हैं। लेकिन अब देखा जाए, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कोरोला जो होते हैं, यानी कि ये जो हैं, ये आते हैं हमारे अट्रैक्टिव पार्ट में। तो यहाँ से देखते हैं, पेडिसल तो हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, पेटल्स को कंसिडर करते हैं, सेपल्स को भी हटा देंगे, क्योंकि ये कैलेक्स की यूनिट है। कैलेक्स जो हैं ज़्यादातर जो हैं ग्रीनी कलर की होती हैं, लेकिन जो कोरोला होते हैं उनके कलर बहुत ही अलग अलग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अट्रैक्ट करते हैं तो वो करते हैं हमारे कोरोला, ठीक है। तो और जब कोरोला की बात हमने की और हमने बताई ये कोरोला होते हैं और कोरोला के यूनिट पेटल्स होते हैं, और इन्होंने यहाँ पर पूछा है पार्ट, तो कोरोला अपने आप में सारे जो होंगे, जो पत्तियाँ होंगी फूल की, वो कोरोला कहलाएंगी, लेकिन उनके एक यूनिट को कहा जाता है पेटल्स। तो यहाँ पे क्योंकि पार्ट वर्ड आया है द ब्राइट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो हम यहाँ पे कोरोला को ना लगा के यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे पेटल्स को, तो ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन 1 का होता है ऑप्शन 3, पेटल्स। क्वेश्चन 2 देखते हैं, कॉलरा इज कॉज्ड बाय। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि कॉलरा किससे कॉज्ड होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है विब्रियो कॉलरी, ठीक है। विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से कॉलरा डिसीज होती है, तो ये एक्चुअल में क्या है, बैक्टीरिया है। बाकी हमारे जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 का राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1, बैक्टीरिया। क्वेश्चन 3, एग्स आर रिसोर्स ऑफ फाइबर्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो रिसोर्स होते हैं वो किसके होते हैं, प्रोटीन्स के होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 3 का राइट ऑप्शन है हमारा प्रोटीन। वैसे एग के अंदर फैट भी होता है, लेकिन रिच सोर्स ये प्रोटीन के होते हैं। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं, जूट फाइबर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये देखिए, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया है, क्लास 6 की फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर है, क्लास 6 में उससे ये पूरा पोर्शन उठाया है कि जूट फाइबर के किस पार्ट से फाइबर ऑब्टेन होता है, ठीक है, जूट प्लांट के। तो ये लीफ यहाँ पे नहीं है, ना फ्लावर है, स्टेम से ऑब्टेन होता है, इसलिए इसका ऑप्शन 3 राइट होता है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन 3 स्टेम राइट होता है। फिर क्वेश्चन 5, राइस एंड वीट कैन बी टर्म्ड एज पल्सेस, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये ऑब्वियसली क्या है, सीरियल्स हैं, तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर हुआ सीरियल्स। क्वेश्चन 6, प्लांट्स दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स, सैप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स। तो हमें क्या ऑप्शन मिलता है, जो खुद से अपना खाना बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जो किसी पे डिपेंड करते हैं वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट्स भी किसी और से लेते हैं, पैरासाइट्स भी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, तो हमें राइट ऑप्शन अपना मिल जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्वेश्चन 7, फ्लावरिंग प्लांट्स दैट बियर फ्लावर्स, यानी कि वो फेनोरोगैम्स हो गए, फिर फ्रूट्स, सीड्स आर कॉल्ड। तो देखिए, आपको प्रीवियस जो लेक्चर्स दिए गए हैं उसमें साइंस का एक लेक्चर था, उसमें आपको पूरे डिटेल में चार्ट का शुरू से बताया गया था कि किस तरह से कुछ होते हैं, बॉडी डिफरेंशिएट होती है, किसी की बॉडी डिफरेंशिएट नहीं होती तो उनको थैलोफाइटा में रखा गया, उसे पूरा एक डिटेल में स्ट्रक्चर है, तो आप वो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली देख लेते हैं, इन्होंने बताया बियर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स आर कॉल्ड, तो सीधा सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ये भी नहीं होता, इसमें नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। तो सीधा सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा एंजियोस्पर्म, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं और फ्रूट्स फ्लावर्स होते ही नहीं है,
फंड्स की बात करें तो उसमें भी सीड्स वगैरह फंड्स में स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें सीधा अपना आंसर मिल जाता है क्वेश्चन 7 का, एंजियोस्पर्म। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकॉटिलेडन, ठीक है। तो मोनोकॉट एंजियोस्पर्म को जब फर्दर डिवाइड किया जाता है क्लासिफिकेशन में, तो उसको मोनोकॉट और डाइकॉट में डिवाइड किया जाता है। अब मोनोकॉट क्या होता है, जब जो बीज जो होते हैं इस तरह से एक पार्ट में होते हैं तो उन्हें मोनोकॉटिलेडन कहा जाता है, लेकिन जब वो डिवाइड होकर दो पार्ट्स में आ जाते हैं तो उसे डाइकॉटिलेडन कहा जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जैसे फर्स्ट ऑप्शन ग्रास का दिया गया है तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, जब पैरेलल वेनेशन होता है तो वो मोनोकॉट ही होता है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मोनोकॉट। मैंगो की बात करें तो मैंगो में रेटिकुलेट वेनेशन होता है लीफ में, तो इसलिए यही डाइकॉटिलेडन है और यही आंसर है। मेज में भी मोनोकॉट है और, ठीक है, तो मेरा राइट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है अपना मैंगो, जो कि क्या है, एक डाइकॉटिलेडन है मैंगो। क्वेश्चन 9, यहाँ पे बात की गई सिंगल सेल्ड एनिमल्स आर क्लासिफाइड एज, तो देखिए साइंटिस्ट थे विटेकर, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, तो उन्होंने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने जो बिल्कुल छोटे से प्लांट्स होते हैं वहाँ से लेकर वो कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वो ले गए थे, तो उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमालिया एंड प्लांटी में डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था स्पीशीज़ को, ठीक है। तो एनिमालियन प्लांटी, ठीक है, तो जो इसमें हमें फाइलम्स दिए गए हैं, ऑर्थोपोड्स फाइलम दिया गया है, तो इसमें तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो ये सिंगल सेल्ड नहीं है। मैमल्स हम खुद हैं तो हम भी सिंगल सेल्ड नहीं हैं। अब बचते मोलस्कास भी हमारे सिंगल सेल्ड नहीं होते, तो हमारा राइट ऑप्शन होता है प्रोटोजोन्स, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से राइट ऑप्शन आता है प्रोटोजोआ। क्वेश्चन 9 का राइट ऑप्शन हुआ थर्ड। क्वेश्चन 10, द रूट्स ऑफ द बेनियन ट्री आर क्लम्बिंग रूट्स, स्टिल्ट रूट्स, ब्रीदिंग रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स। बेनियन ट्री की रूट्स कैसी होती हैं, एडवेंटिशियस होती हैं। क्वेश्चन 11, वाटर दैट इज एब्सोल्यूटली प्योर एंड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, ठीक है, तो वो कौन सा वाटर होगा, ऑब्वियसली वो डिस्टिल्ड वाटर होगा, जो कि बिल्कुल प्योर होता है, उसमें सारे मिनरल्स हटा दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, ठीक है, और वो फ्री होता है इम्प्योरिटी से। देखिए ये एक बिल्कुल एब्सोल्युटली प्योर होना, और अगर हम यहाँ पे बात करें कि पीने वाला पानी, तो वो दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर पिया नहीं जाता है, डिस्टिल्ड वाटर में कोई भी आयंस नहीं मिलते, तो इसको हमेशा लैब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, या जो हमारे घर में एसी लगे होते हैं उसमें से जो वाटर निकलता है वो भी डिस्टिल्ड होता है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन 1, डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन 12, बाय विच मेथड इज सॉल्यूट ऑब्टेन फ्रॉम सॉल्यूशन, किस मेथड से हम सॉल्यूट को फॉर्म सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को अलग कर सकते हैं, तो वो हमारा सेडिमेंटेशन नहीं होता, डिकेंटेशन भी नहीं होता, ना फिल्ट्रेशन होता है, इवेपोरेशन ऐसा होता है। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें भी पूरा ये एक चैप्टर में क्लास 6 की बताया गया है, उसमें क्या होता है, अगर हमें जब सी से सॉल्ट निकालना होता है तो हम उसका पानी ले लेते हैं और उसको हम एक चाइना डिश में लेकर और उसे इवेपोरेट करते हैं, वो जब तक पानी क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हमें नीचे क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है। तो इस तरह से हम, ये भी तो एक तरह का सॉल्यूशन हुआ और उसमें से हमने इस सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट को अलग किया, तो इवेपोरेशन ही वो बेस्ट मेथड होता है जिससे हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 12 का राइट ऑप्शन होता है इवेपोरेशन। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिसीज़, तो डिप्थीरिया तो वाटर बॉर्न डिसीज़ नहीं होती है, ठीक है, ये हमारी गले से रिलेटेड डिसीज़ होती है और इसके लिए वैक्सीनेशन भी होता है, ये यहाँ से हटता है। टिटनेस भी अलग चीज़ है, टिटनेस जो है कोई भी मेटल लग जाता है तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये भी वाटर बॉर्न नहीं हुआ। हेपेटाइटिस एंड मलेरिया, मलेरिया हमारा डायरेक्टली नहीं होता, इसमें जो हमारे मॉस्किटो से होता है, मॉस्किटो में भी किसमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होता है, वो उसको अटैक करता है, और जब उस मॉस्किटो में उसकी हाफ लाइफ साइकिल होती है और हाफ हमारी बॉडी में होती है ह्यूमन की, तो जब कोई भी मॉस्किटो हमें कट करता है तो उसकी बॉडी से वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है और उससे हमें मलेरिया डिसीज़ हो जाती है, यानी कि जो मॉस्किटो हुआ वो एक वेक्टर की तरह काम करता है और जो हमारा इन्फेक्शन है वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी रिमूव हो जाता है, तो वाटर बॉर्न डिसीज़ से, वाटर बॉर्न डिसीज़ की जो बात की गई है, तो उसका राइट ऑप्शन हुआ हेपेटाइटिस, ठीक है, यानी कि इन्फेक्टेड वाटर हम पी लेते हैं तो उससे हमें वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला जाता है जिससे हमें हेपेटाइटिस हो जाता है। क्वेश्चन 14, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉड
क्वार्ट्स आर सिलिकन एंड, ठीक है, क्वार्ट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट की बात की गई है, तो एक तो हमारे इसका सिलिकन है, तो दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है ऑक्सीजन। इसका राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन, यानी कि क्वार्ट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट में दो चीज़ें कौन सी हैं, एक तो सिलिकन है, दूसरा ऑक्सीजन है। क्वेश्चन 15, द बर्निंग विच ऑफ विच कॉज द मोस्ट एयर पोल्यूशन। तो हाइड्रोजन से इतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन नहीं होता, बल्कि नहीं होता, सेम मानी जाती है। पीएनजी भी बहुत अच्छा एग्जांपल है और सीएनजी भी है। कोल ऐसा है जो कि सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शन में कॉज करता है पोल्यूशन को। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट मिसेबल विद वाटर। यानी कि नॉट मिसेबल का मतलब है जो कि इमिसेबल हो, ठीक है। तो मिल तो मिसेबल होता है, हनी भी होता है और अल्कोहल भी होता है। ऑयल ही ऐसा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल भी पानी से मिसेबल नहीं है, ठीक है, तो इमिसेबल है, तो आंसर हुआ ऑयल। क्वेश्चन 17, विच इज़ नॉट रिवर्सिबल, यानी कि इन्होंने किसको पूछा, इरिवर्सिबल चेंज को, ठीक है, जो वापस ना हो। वाटर टू वाटर वेपर, ये तो वापस हो सकता है, इसलिए ये यहाँ से हट जाता है। मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेल्ट हो जाएगा लेकिन वापस फिर वो आयरन ही में तो रहेगा, मेल्ट होके फिर वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये वापस हमें मिल सकता है। बर्निंग ऑफ केरोसिन ही ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जो कि नॉट रिवर्सिबल चेंज, इसका एक बार अगर तेल जल जाएगा तो जलने के बाद वापस तेल गैशियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में वापस नहीं आने वाला, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, तो ये भी वापस हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन 17 का राइट ऑप्शन हुआ थर्ड, बर्निंग ऑफ केरोसिन। क्वेश्चन 18, द मॉलिक्यूल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कंटेन द सेम काइंड ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया ऑक्सीजन, तो देखिए ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन में होता है O2, इसमें ही एक तरह के एटम्स मिलते हैं, तो हमें यही ऑप्शन सही मिल जाता है। और देख लेते हैं वाटर का होता है H2O, तो देखिए इसमें H2 है और O है, ये दो तरह के हो गए, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। CO2 की बात करें तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया कि इसमें भी दो तरह के हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो वो भी हमारा रॉन्ग हो गया कि उसमें भी दो तरह के हैं। तो क्वेश्चन 18 का राइट ऑप्शन हुआ ऑक्सीजन। क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो ओजोन का फार्मूला होता है एलोट्रॉप्स होता है ओजोन ऑक्सीजन का, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हुआ O3, बाकी रिमूव कर देंगे। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय। तो फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, आयरन एक मेटल है, ये कोई भी एलॉय नहीं है, गोल्ड भी एक मेटल है और कॉपर भी एक मेटल है। स्टेनलेस स्टील जो है वो एक एलॉय है, उसमें कार्बन, निकल और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो होती हैं, आयरन वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन 20 का राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन थर्ड, एलॉय मिक्सचर होते हैं, एलॉय सिर्फ एक मेटल नहीं होता है, वो मिक्सचर होते हैं, तो वो ऑप्शन हमारा है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन 21, व्हेन अ फोर्स 1 न्यूटन इज परपेंडिकुलरली ऑन अ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर देन द प्रेशर इज, ठीक है। तो प्रेशर की बात करें तो फार्मूला लग जाएगा P=F/A, ठीक है। और अगर इसकी यूनिट की बात करें तो वो होती है पास्कल, तो यहाँ पे हमें सीधे आंसर मिल जाता है। जब यहाँ पे 1 न्यूटन फोर्स और 1 स्क्वायर मीटर एरिया की बात की जा रही है, तो हमारा जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 1 पास्कल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन 21 का राइट ऑप्शन मिलता है सेकेंड, 1 पास्कल। हाउ मेनी अर्ग्स आर इन देयर जूल, जूल में कितने अर्ग्स होते हैं। तो 10^7, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 10^7 अर्ग होते हैं एक जूल में। क्वेश्चन 23, अ फोर्स अप्लाई टू मशीन टू डू मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड इफर्ट, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इफर्ट कहा जाता है। क्वेश्चन 24, एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट का एग्जाम्पल है आयरन मेटल है, स्टील हमारा मेटल है, तो आयोडीन जो है ये हमारा एग्जाम्पल है नेचुरल मैग्नेट का, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन थर्ड यहाँ पे राइट होता है। क्वेश्चन 25, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन रिमूव हो जाएंगे, तो क्वेश्चन 25 का राइट ऑप्शन हुआ एनर्जी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। द एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाएगी, किलोमीटर रिमूव हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर रिमूव हो जाएगी, ये बचेगी मीटर स्क्वायर, ये इसका बेस्ट आंसर है। क्वेश्चन 26 का थर्ड, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 27, व्हाट डज एंगस्ट्रॉम मेजर्स, ठीक है, एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं, 1 मीटर इक्वल्स टू 10^9, सॉरी 10^10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वो नैनो होता है। तो ये हमारा हो गया, ये हमारी पॉजिटिव होती है और ये वेव्स के मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है, लेंथ ऑफ लाइट वेव्स,
तो हमें ऑप्शन मिल गया सीधा क्वेश्चन 27 का सेकंड। क्वेश्चन 28, अ कॉम अट्रैक्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। बिल्कुल, जब दो चीज़ें आपस में रगड़ी जाती हैं तो उसमें जो फोर्स डेवलप होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, तो ऐसे ही तो होता है कि हम लोग ने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया है कि जब कॉम को ले लेते हैं हम अपने बाल में, क्या करते हैं कॉम करते हैं और अपने हेयर्स में, और उसके बाद वहाँ पे पीसेस ऑफ पेपर छोटे छोटे से उसके पास रख देते हैं तो वो उसको क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो किस फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। तो हमें यहाँ राइट ऑप्शन अपना मिल जाता है फोर्थ। क्वेश्चन 28 का राइट ऑप्शन है फोर्थ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन 29 देखते हैं, फोर्स कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर एंड नन ऑफ दीज। तो बिल्कुल सही राइट ऑप्शन हमारा है स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, ये एनसीईआरटी से आपको डायरेक्ट मिल सकता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है स्प्रिंग बैलेंस। क्वेश्चन 30, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा दो लेयर्स के बीच में लगता है। जैसे जब हम चलते हैं तो हमारी जो स्लीपर है और जो ज़मीन होती है उसके दो सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। तो अगर हमें इस फोर्स को बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग ऑयल करेंगे तो हम फिसल जाएंगे, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स ख़त्म हो जाएगा। मॉइस्चर ऑन द सर्फेस करेंगे तो भी हमारा पैर फिसल जाएगा। रफ़ सर्फेसेस, बिल्कुल, तो अगर हम रफ़ सर्फेस को बढ़ा देंगे, हमारे पैर में जो स्लीपर हो उसके नीचे काफ़ी इस तरह से हो और जो फर्श भी हमारा खूब ऐसे ऐसे होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा और हम फिसलते नहीं हैं। इसीलिए जो भी रोड्स बनाई जाती हैं वो कंक्रीट की बनाई जाती हैं, जिससे हमारा फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे रहे, क्योंकि अगर हम टाइल्स लगा देंगे तो वहाँ पे हमें फिसलने का डर रहेगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी साइंस की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन 2019 से हमने शुरू किया, अब हम 2011 के लास्ट क्वेश्चन पर हैं। ठीक है, तो सीरीज़ हमारी साइंस की ख़त्म होती है, और आप इसे खूब शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।